तो फ्रेंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपको यहाँ पे मोबाइल की होम स्क्रीन पे आ जाना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो होम के जस्ट बगल पे ही एक ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई देता है माय रिपोर्ट्स का, जिसको कि मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस दिखेगा, डेली शेयर रिपोर्ट, मनी ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन, रिचार्ज रिपोर्ट, आधार एटीएम ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, बिल पेमेंट, ट्रेन मैनेज बुकिंग, लोड वॉलेट, शॉपिंग कार्ड, कैश कलेक्शन, क्यूआर, और ये सारा कुछ आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री या रिपोर्ट आपको इसमें चेक करनी है, तो आप सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी जो है हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो इधर आपको किस डेट से कब तक का सेलेक्ट देखना है, तो वहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो फ्रेंड फाइनली आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे जिस डेट तक का आपको रिपोर्ट चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए, तो उसके बाद आप जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको किस चीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ आपका ट्रांजैक्शन यहाँ से शो करने लगेगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप AEPS और MATM का जो है किस तरीके से कर पाएंगे। ये माइक्रो ATM रिपोर्ट आपको दिख रही है, तो ये केवल जो ATM मिनी मैजिक छोटा मशीन होता है उससे उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, किस डेट से किस डेट तक की आपको करना है, कौन सी मशीन से है, तो वो भी आपको यहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद बिल पेमेंट रिपोर्ट, सारा कुछ आपको रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। जो आधार ATM ट्रांजेक्शन रिपोर्ट रहता है फ्रेंड, ये होता है आपका AEPS का। तो आपको ये किस डेट से किस डेट तक का देखना है आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। विड्रॉल का देखना है आपको, डिपॉजिट का देखना है, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इधर से जो है डेट अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ 23 तारीख, और 23 से लेके मैं आज तक की डेट का निकालना चाहूँगा। तो जैसे ही मैं डेट डाल दूँगा उसके बाद ही ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आप यहाँ से सक्सेसफुली देख पाएंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। माय रिपोर्ट्स पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप माय रिपोर्ट्स पे चले जाएंगे, तो माय रिपोर्ट्स पे चले जाने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन जो है AEPS वाला आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था आधार ATM ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब जिस डेट से जिस डेट तक का आपको देखना है वो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपकी जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट AEPS की रहेगी वो आपको आधार ATM ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के नाम से आता है, उसमें आपको शो करता है, तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अदर्स वाले ऑप्शन पर आपको चला जाना है। यहाँ से आप अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ट्रेवल एडवांस अकाउंट जो स्टेटमेंट रहेगा वो देख पाएंगे, ट्रेड लेजर का आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, PG ट्रांसफर, बैंक डिपॉजिट ट्रांसफर, और मूव टू बैंक का आपका जो हिस्ट्री रहेगा वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।